जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे पंखे एसी वाले और एक पंखा होगा डीसी वाला और कितने वाट वो लेता है। ये आप देख रहे हैं सामने 5 kW का इन्वर्टर लगा हुआ है, इस पर मैं रीडिंग चेक कर रहा हूँ पंखों की और ये पंखा ले रहा है 80 वाट। ये आप देखें। और अब ये दूसरा पंखा है, ये रिवेंड शुदा नहीं है और ये ले रहा है 60 वाट। और ये तीसरा पंखा है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये जो रिवेंडिंग वाले हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं वाट और जो बग़ैर रिवेंडिंग वाले हैं वो कम वाट ले रहे हैं। ये ले रहा है 80 वाट। ये एसी फ़ैन है, एसी फ़ैन की बात हो रही है, ऐसी वीडियो कभी भी आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो अभी मैं आपको जितने पंखे मेरे घर में लगे हुए हैं सब का रिज़ल्ट आपको मैं दिखाऊँगा और फैसला आपने ख़ुद करना है कि कौन सा पंखा लगाना चाहिए, एसी या डीसी या कौन सी कंपनी का। ये बर्बादी फ़ैन है, ये 150 वाट ले रहा है, ये भी रिवेंड शुद्धा है, इसका नाम मैंने रखा है बर्बादी फ़ैन। ये आप देखें, इसने तबाही मचाई हुई है बिजली की, इसलिए ये नाच रहा है खुशी से। और ये देखें आप, ये है 100 वाट ले रहा है पंखा। ये अभी आप सामने इसकी तस्वीर आएगी और आप देखेंगे जो वाकई ये तबाही फ़ैन है। और सबसे जो एक नंबर एसी फ़ैन में मैंने दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये 100 वाट ले रहा है। इसके बाद आएगा रॉयल फ़ैन, रॉयल फ़ैन 60 वाट ले रहा है, ज़बरदस्त फ़ैन है, ओरिजिनल रिवेंडिंग में खड़ा है, एसी फ़ैन है, एसी डीसी नहीं है, एसी फ़ैन है, इस पर स्टैंप लगी हुई है रॉयल फ़ैन की। जो बकाया फ़ैन मैंने आपको दिखाए थे उन पर कोई नाम वगैरह नहीं है, वो बहुत पुराने हैं, मुझे याद भी नहीं है कौन सी कंपनी के थे। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा डीसी फ़ैन और डीसी फ़ैन का रिन्यू आपको दूँगा जो डीसी फ़ैन कितने ले रहा है। तो कमेंट में राय ज़रूर देना अपना जो कौन सा पंखा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो ये है डीसी फ़ैन, ये 60 वाट ले रहा है, कंपनी का कोई पता नहीं है, बस जो कंपनी बना दो वही कंपनी है क्योंकि इस पर नाम नहीं है। तो कंपनी मुझे याद नहीं थी इसलिए मैंने इसको वो नहीं किया। ये डीसी है, ये भी 60 वाट ले रहा था और जो रॉयल फ़ैन है वो भी 60 वाट ले रहा था, इसलिए मैंने रॉयल फ़ैन को नंबर दिया। रॉयल फ़ैन इज़ दी बेस्ट मेरे हिसाब में, मेरा कोई कंपनी से लेना देना नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल जाए जो कौन सा पंखा बिजली कम लेता है। ये बिजली वाला फ़ैन है, ये 80 वाट ले रहा था और ये भी 80 वाट ले रहा था और ये भी 80 वाट ले रहा था। ये बर्बादी फ़ैन 150 वाट ले रहा था और ये जो है ये 100 वाट ले रहा है। एम्पेयर मीटर से भी मैंने चेक किया था लेकिन रिज़ल्ट एम्पेयर मीटर के साथ नहीं आया, 5 kW नेट्रॉस का जो इन्वर्टर है उससे सही पता चला है जो कौन सा कितने वाट ले रहा है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।